प्रत्येक अगली खबर की ओर। मुख्तार अंसारी की पत्नी ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है, पत्र में अपने पति की सुरक्षा मांगी है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्तार के पत्नी ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने अपने पति की यानी कि मुख्तार अंसारी की सुरक्षा मांगी है। रोपड़ जेल से बांदा जेल ट्रांसफर के दौरान सुरक्षा की मांग की गई है। सुरक्षा की जिम्मेदारी सुनिश्चित होने के बाद कहा गया है कि उनका ट्रांसफर किया जाए। तो जिस तरीके से बांदा जेल ट्रांसफर के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की मांग की गई है, बताते चले कि मुख्तार की पत्नी ने यह पत्र राष्ट्रपति के नाम लिखा है और उन्होंने अपने पति यानी कि मुख्तार अंसारी के लिए सुरक्षा की मांग की है। लगातार जिस तरीके से पंजाब और उत्तर प्रदेश सरकार आमने सामने थी, इसको देखते हुए अब रोपड़ जेल से उन्हें बांदा जेल जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही ट्रांसफर किया जाएगा, तो इसको लेकर बांदा जेल ट्रांसफर के दौरान जो है सुरक्षा व्यवस्था की मांग की गई है, क्योंकि उन्हें डर है कहीं विकास दुबे की तरह उनकी भी गाड़ी ना पलट जाए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सत्यवीर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सत्यवीर, इस तरीके से मुख्तार अंसारी की पत्नी डरी सहमी है, उन्होंने सुरक्षा की मांग की है, क्या कुछ अभी तक की अपडेट सामने आई है? जिस तरीके से आपको बता दें कि लगातार उत्तर प्रदेश सरकार और पंजाब सरकार आमने सामने थी, क्योंकि मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा थी कि उसे उत्तर प्रदेश लाया जाए। मुख्तार अंसारी को आखिरकार जिस तरीके से उसकी पेशी हुई, तो पेशी भी व्हीलचेयर पर हुई। इस तरीके से आपको बता दें कि काफी समय से वो रोपड़ जेल यानी कि पंजाब के रोपड़ जेल में रह रहा था, जिसके बाद अब उसे यूपी यानी कि यूपी के बांदा जेल में ट्रांसफर के दौरान जो है सुरक्षा की मांग की है। उनकी पत्नी ने कहा है कि जब वहां से रोपड़ जेल से वहां पे पंजाब के रोपड़ जेल से जब उन्हें उत्तर प्रदेश के बांदा ले जाया जा रहा हो, तो उसके बीच उन्हें कड़ी सुरक्षा मुहैया कराया जाए। इसको लेकर उन्होंने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है और पत्र में अपने पति की सुरक्षा की मांग की है। बता दें कि इस वक्त जो है बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी पंजाब के रोपड़ जेल में बंद है। कई संगीन मामला उस पे दर्ज है, जिसके तहत वो पंजाब के रोपड़ जेल में बंद है। और लगातार जैसे जैसे यूपी पुलिस पंजाब के रोपड़ जेल जाती थी, तो लगातार वो बहानेबाजी करता था और हमेशा स्वास्थ्य का हवाला देकर बचने की कोशिश करता था। लेकिन अब बचने की कोशिश जो है वो नाकाम साबित हुई और अब उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला कर लिया है कि पंजाब के रोपड़ जेल से बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में जो जेल है बांदा जेल, वहां पर लाया जाएगा। रोपड़ जेल से उसे बांदा जेल बहुत जल्द शिफ्ट किया जाएगा, जिसको लेकर उसकी पत्नी सहित खुद मुख्तार अंसारी डरा सहमा है। मुख्तार को डर है कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस उसकी भी गाड़ी ना पलट दे। इस तरीके से आपको बता दें कि उनकी पत्नी ने जो पत्र लिखा है राष्ट्रपति को सुरक्षा व्यवस्था की मांग की है, तो कहीं ना कहीं जो अपराधी हैं लगातार उनके अंदर डर बैठ गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी सरकार काम कर रही है, इसको देखते हुए अब जो अपराधी हैं वो डरे सहमे हैं।